एलबी नगर एसओटी और अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने एक इतला पर मुश्तरीका कार्रवाई करते हुए मलकाजगिरी से उड़ैसा और उड़ैसा से रियासत महाराष्ट्र को गांजे की गैर कानूनी मुंतकली करने वाले 6 अफराद को हिरासत में लिया है। सीपी रचाकोंडा महेश भागवत ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि टोली के कब्जे से 590 किलो गांजा, 2 कारें और 8 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं, जिसकी मालियत 1,03,00,000 रुपये है। पुलिस कमिश्नर रचाकोंडा ने गांजे की गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बनाने और टोली को गिरफ्तार करने वाले पुलिस एहलकारों की सिफारिश की है और उन्हें कैश प्राइस देते हुए उन्हें मुबारकबाद भी पेश की है। चंद्रशेखर विक्रम बाबू महेंद्र लक्ष्मीकांत रेड्डी हर्षवर्धन रेड्डी अरुण कुमार आंजनेय साईराम अहमद पट आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बॉर्डर से महाराष्ट्र को गांजा का ट्रैफिकिंग करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हमारे रायचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के स्पेशल ऑपरेशन टीम और अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन के हमारे कर्मचारियों ने किया है। तकरीबन 590 किलोग्राम गांजा, 2 फोर व्हीलर, उसके साथ साथ मोबाइल फोन और कुछ कैश बरामद हुआ है। उसकी कीमत 1,30,00,000 तक है। इस गिरोह का जो मुख्य सूत्रधार है उसका नाम है करण परशुराम परकाले। ये महाराष्ट्र के बीड जिला में अष्टी करके तालुका है, वहां के पिंपरी गांव का रहने वाला है। इससे पहले भी इसको विशाखापट्टनम पुलिस ने अरेस्ट किया था, 6 महीना जेल में था और उसके खिलाफ और 3 केसेस हमारे पास में पेंडिंग है 2020 के, जिसमें अभी हम उसको अरेस्ट करने जा रहे हैं। इसका साथी अजय महादेवराव इथापे, ये चिंचोली गांव का धनौरा तालुका बीड जिला महाराष्ट्र, और उनका साथी संतोष अनिल गायकवाड़, ये भी धनौरा तालुका का बीड का रहने वाला है, और एक साथी उनका आकाश शिवाजी चौधरी, ये भी बीड जिला का महाराष्ट्र का रहने वाला है, और एक विनोद गाड़े करके ट्रांसपोर्टर कम ड्राइवर, ये भी बीड जिला महाराष्ट्र का। ये 5 लोग महाराष्ट्र के बीड जिला के रहने वाले हैं और उनके साथ में और एक शख्स को हमने गिरफ्तार किया है, उसका नाम है भुकिया सही कुमार, जो तेलंगाना के सूर्यापेट जिला का रहने वाला है और ये जो है मेडिएटर है। 3 आरोपी इसमें अभी भी फरार है, उसमें से 2 जिन्होंने गांजा का सप्लाई किया मलकाजगिरी ओडिशा से और एक यहाँ का हमारे सूर्यापेट जिला का मेडिएटर जिसका नाम है अम्बोत नागराजू, जो इससे पहले भी हमारे पास में गढ़केसर पुलिस स्टेशन के केस में हमने उसे अरेस्ट किया था। इस अच्छे काम को अंजाम देने वाले हमारे स्पेशल ऑपरेशन टीम और अब्दुल्लापुर मेट पुलिस, इन सभी पुलिस कर्मियों को मैं उनको बधाई देता हूँ। काफी अच्छा काम उन्होंने किया है और मैंने उनको कैश रिवार्ड से नवाजा भी है। धन्यवाद। FNI न्यूज पर ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न्यूज को लाइक और शेयर कीजिए।